हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका फ्रेंड अजय आ गया हूँ आपके सामने एक और शानदार वीडियो लेके। आज की ये जो वीडियो है हमारी होने वाली है बेली फैट के ऊपर। जो हमारा स्टोमक होता है इस पे ज़्यादातर आपने देखा होगा, ज़्यादातर लोगों के पेट पे ही फैट आता है, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। एक सिंपल सी मैं एक्सरसाइज आपको बताऊँगा जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और वो हर कोई कर सकता है। मैक्सिमम आप 10 मिनट भी आप पर डे कर लोगे तो वो आपके लिए बहुत होगा। तो एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आपने कभी सोचा है कि हमारे पेट पे ही फैट सबसे पहले क्यों आता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों के पेट पे ही फैट आता है, हाथ पे पैर पे इतनी जल्दी फैट नहीं आता। उसका मैं रीज़न बताता हूँ वो क्यों होता है। हमारे हाथ और पैर पूरे दिन एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चलते रहते हैं। अगर कोई एक्सरसाइज या जिम नहीं जाता है, योगा कुछ भी नहीं करता, फिर भी वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है। पर हमारा जो पेट है ये किसी एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इस पे फैट इकट्ठा होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो चलता हुआ जो रनिंग वाटर होता है, चलता हुआ जो पानी होता है, उस पर कभी भी काई नहीं जमती है। पर रुके हुए पानी पर आपने देखा होगा हमेशा काई जम जाती है। तो ऐसे ही हमारा बॉडी है कि जो पार्ट हमारा एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं होती है, जैसे कि हमारा पेट, इस पर हमारा फैट इकट्ठा होने लगता है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि फैट कैसे इकट्ठा होता है, क्या रीज़न होता है। तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे या कुछ योगा करेंगे हमारा फैट नहीं आएगा, तो हमारे को पर डे कुछ ना कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी है। तो मैं एक एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ, वो एक्सरसाइज क्या करनी है। उस एक्सरसाइज का नाम है प्लंक्स। तो वो प्लंक्स एक्सरसाइज बहुत लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते मैं उसमें बता देता हूँ क्या करना होता है। तो दोस्तों, इस तरीके का एक मैट लेना है आपको, इसको ज़मीन पे रखना है इस तरीके से। आप मैट ले लो या कुछ भी नीचे ऐसा कोई सॉफ्ट चीज़ रख लो जिसमें जब आप अपने हाथ नीचे होल्ड करोगे तो आपको मतलब दिक्कत नहीं हो और आप इजीली होल्ड कर पाएँ। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने शरीर को होल्ड कर पाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। इस तरीके से अपने हाथ होल्ड करने, बॉडी पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा 90 डिग्री पे होना चाहिए, सीधा हॉरिजॉन्टली पूरा सीधा होना चाहिए इस तरीके से। ऐसा नहीं कि ऐसे नीचे चला गया ये या ऊपर हो गया, नहीं, पूरा इस तरीके से रखना है, पूरा होल्ड करके रखना है और अपने पेट पे प्रेशर फील करना है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम रुक सकते हैं ऐसे रुक के रखना है, सिर्फ ऐसे होल्ड करना है अपने आप को इस तरीके से। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ ऐसे होल्ड रखना है अपने आप को। आप जितना भी 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जितना आप होल्ड कर सकते हैं। तो गाइज, आपने देखा कि ये प्लंक्स हमने किस तरीके से लगाया है। आपको पर डे 4 टाइम्स करना है ये। आप 20 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप जितना भी टाइम होल्ड कर सकते हैं अपने बॉडी को, उतना देर आप होल्ड कीजिए, ठीक है। कुछ भी एक टाइमर अपने मोबाइल रख लो, उसमें टाइम देखते रहना, वॉच घड़ी है उसमें टाइम देखते रहना। 20 से 1 मिनट के बीच में आपको टाइम रखना है, ऐसे 4 बार करना है आपको। आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो या इवनिंग में भी कर सकते हो। इवनिंग में अगर आप करोगे तो 3 या 4 घंटे का गैप होना चाहिए जो आपने खाना खाया होगा उसमें। तो आप इसको जब पर डे आप करोगे ना, आप 1 वीक में ही आपको महसूस होने लगेगा, जो आपका कोर है ना, ये आपका जो पेट है, इसकी जो मसल्स हैं वो टाइट होने लगेंगी, स्ट्रांगनेस फील होगी आपको। तो जब वहाँ स्ट्रांगनेस स्टार्ट होने लगेगी तो धीरे धीरे जो फैट ना आप कटना चालू हो जाएगा। फिर आपको साथ साथ डाइट भी थोड़ा मेंटेन रखनी है, ज़्यादा कार्ब वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है, जैसे चावल हो गए या आलू जैसी चीज़ हो गई जिसमें कार्ब ज़्यादा होता है, ये चीज़ें नहीं खानी है। डाइट आप फॉलो रखो, एक्सरसाइज कंटिन्यू रखो। तो पेट का फैट क्या यार, कहीं भी आपका कुछ भी फैट होगा ना, आप पूरा अच्छे से निकाल पाओगे, चर्बी को उधेड़ दोगे पूरा अच्छे से। बस आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगी, ये नहीं है कि बस हाँ जी खा लिए बैठे हुए हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कसरत नहीं, हाँ हो जाएगा, बस मुंह से बोल देते यार पेट कम नहीं हो रहा। पेट ऐसे कम नहीं होगा, ठीक है, बढ़ा आप रहे हो उसको तो कम भी आपको ही करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा। अब पसीना बहाना ये नहीं है कि धूप में जाके खड़े हो गए पसीना निकल रहा जी, हम तो पसीना बहा रहे हैं बस, हमारा पेट जब भी कम नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होगा। मेहनत से जो पसीना निकलेगा समझ लो गंदगी बाहर निकल रही है। तो दोस्तों, इतना ही मैं बोलूँगा आपको,
एक्सरसाइज करो, अपने आप को फिट रखो। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। और किसी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं उसी पे एक नई वीडियो आपको लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्थी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, रनिंग कीजिए, जो आपका मन है वो कीजिए, बट कीजिए ज़रूर, क्योंकि आपको अपने आप को हेल्थी रखना है, ये जिम्मेदारी आपकी खुद की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।